भारत में बड़े पैमाने पर बनने वाली मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। ट्रंप इसके लिए भारत को आंखें दिखा चुके हैं तो ब्राजील के राष्ट्रपति इसे संजीवनी बूटी बता चुके हैं। लेकिन प्रतिष्ठित साइंस पत्रिका द लैंसेट की ताज़ा रिपोर्ट में इससे मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं भारत में ICMR ने इसे उपयोगी तो बताया है, लेकिन इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ग्राफिक्स के जरिए लेते हैं पूरी जानकारी। क्या कहा द लैंसेट ने? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा से मौत का खतरा ज़्यादा। जिन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी गई उनमें मृत्यु दर 18% रही। जिन्हें ये दवाई नहीं दी गई उनमें मृत्यु दर 9% रही। ये दवाई मलेरिया की, कोरोना संक्रमितों को इससे कोई फायदा नहीं। द लैंसेट ने कैसे निकाला निष्कर्ष? स्टडी में 96,000 मरीजों को शामिल किया गया। इनमें से 15,000 को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी गई। ये या तो किसी एंटीबायोटिक के साथ दी गई या अलग से। ICMR की नई गाइडलाइंस में चेतावनी, दवा इस्तेमाल करने वाले पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। रेटिना और दिल संबंधी बीमारी वाले इस्तेमाल ना करें। 15 साल से कम उम्र और गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल ना करें। ICMR के मुताबिक कौन ले सकता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई? कंटेनमेंट एरिया में तैनात कर्मचारी और पुलिसकर्मी, कोरोना संबंधित गतिविधियों में शामिल कर्मचारी, प्रयोगशालाओं में तैनात कर्मचारी और अर्धसैनिक बल, दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श की हिदायत।